सीहोर जिले की रहटी पुलिस को नकली नोट छापकर चलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस गिरफ्त में आया बदमाश शराब दुकान पर नकली नोट चलाने की फिराक में था, लेकिन सेल्समैन राजेश सिंह के आगे उसकी चालाकी नहीं चल पाई। सेल्समैन की सूचना पर पहुंची रहटी थाना पुलिस ने मुकेश नायक युवक को गिरफ्तार कर उसके पास से 5-5 सौ के 3 नकली नोट बरामद किए गए। युवक ने पूछताछ में बताया कि वह बाहर नकली नोट छपवाकर क्षेत्र में चला रहा था। वहीं रहटी पुलिस ने आरोपी मुकेश नायर पर विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय पेश किया है। विगत रात्रि लगभग 11:30 बजे थाने पर सूचना प्राप्त हुई है कि ग्राम बाया में शराब की जो दुकान है वहां पे राजेश प्रताप सिंह ने सूचना दी कि हमारी कलारी दुकान पर शराब खरीदने के लिए एक व्यक्ति आया। उसने नकली नोट 2-5-5 सौ के दिए और शराब खरीदी। उसको ये लगे जब पाया कि नकली नोट है तो उसकी सूचना पर से तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और जब ये पाया कि नकली नोट है तो उसका संज्ञान लेते हुए उस पर कार्रवाई निगरानी कार्रवाई की गई और उससे जो नकली नोट है उससे वो जब्त किए गए। उसके आधार पे जिसके द्वारा ये नोट लिए गए थे उनको उनके द्वारा पकड़ लिया गया था। तो मुकेश पिता रामविलास कीर है जो मकोड़िया कीर के रहने वाला है उसको पुलिस ने अपने अभिरक्षा में लिया और ला करके उससे पूछताछ की गई। पूछताछ पर उसने बताया कि ये नकली नोट है। उसके द्वारा ये जो यहाँ पर दिए गए थे शराब दुकान के अलावा अन्यत्र और भी जगह दुकानों पे उसके द्वारा दिए गए हैं जिस संबंध में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और ये रिपोर्ट पर से हमारे द्वारा वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी मुकेश को हमने धारा 489 के ए बी और सी के तहत हमने उसको कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है जिससे हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उसका पुलिस रिमांड लेंगे जिससे हम गहन पूछताछ कर रहे हैं और उसके बाद जो भी इसमें लिप्त होंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। नसरुल्लागंज से वसीम खान की रिपोर्ट।